अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चांद, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं डीन स्पेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कॉइन स्ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप वर्क कर सकते हो और उससे कॉइन आप कैसे बना सकते हो और कौन कौन सी एप्लीकेशन इसके अंदर आपको चाहिए होगी। तो शुरू से लेकर एंड तक आपने देख लेनी है कि अगर आपने थोड़ी सी स्किप कर दी फिर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मिस्टेक हो जाएगी। उसके बाद आपने अगर ऑलरेडी आपके पास लूडो स्टार इंस्टॉल है उसको आपने अनइंस्टॉल करना है, और रिमोस के ऊपर नहीं है, ये X8 सैंडबॉक्स के ऊपर है, और रिमोस जो है ना उसके ऊपर ये वर्क करती है लेकिन बहुत ही कम करती है वर्क। तो ये एप्लीकेशन आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद टेलीग्राम जो है ना आपने ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, उसके बाद वहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो मिलेगी वहीं से आपने डाउनलोड करना। मैं इसका कहीं पर व्हाट्सएप के ऊपर आपको शेयर नहीं कर सकता, किसी जगह पर भी आपको शेयर नहीं कर सकता। आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपने टीम स्पाइसी पर सर्च कर लेनी और नीचे आपको टाइप मिल जाएगा नाम भी। तो यहाँ पर आप देखें, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ टीम स्पाइसी। आपने चांद जब सर्च करना है तो सबसे पहले आपको ये वाला मिल जाएगा, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। तो उसके बाद यहाँ पर आपको देखें लूडो स्टार, जो आपको पहले ऑलरेडी लूडो स्टार उसको अनइंस्टॉल करना है और ये वाला वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना है, ये हो गया। और दूसरा लूडो स्टार जो है ना आपने ये X8 सैंडबॉक्स, इसकी आपने ये आपने एप्लीकेशन जो है ना ये इंस्टॉल कर लेनी। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको गूगल के ऊपर लेकर जाएगा। तो यहाँ से आपने सिंपल सा यहाँ पर सैंडबॉक्स जो है ना डाउनलोड कर लेना है, और कहीं से भी डाउनलोड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के बारे में बताता हूँ कैसे आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑटो क्लिकर होना चाहिए, ऑटो क्लिकर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऑटो क्लिकर की यहाँ पर देखिए, ऑटो क्लिकर का ये एप्लीकेशन ऑटो क्लिकर की पड़ी हुई है। अगर आपने ऑटो क्लिकर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी लिंक टेलीग्राम के अंदर ही है, सब कुछ जो भी चीज़ें आप ऐप खुलाना अगर आपको चाहिए तो वो आप इसके अंदर से क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक में ऐड चाहिए तो वो मिल सकता है, टास्क बार भी इसके अंदर ही है। लेकिन आपको अभी जो चाहिए वो एप्लीकेशन है, एक ये वाला हो गया, ये X8 सैंडबॉक्स हो गया, और लूडो स्टार के एक वर्जन हो गया, और उसके बाद आपको ऑटो क्लिक कर, ये ऑटो क्लिक करोगे, ये तीन चीज़ें आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको बताता हूँ अब कैसे इसको वर्क करनी है। तो सबसे पहले हम ऑटो क्लिकर को ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करना, और इसकी मैं न्यू कर लेता हूँ ताकि आपको सेटिंग शुरू से लेकर एंड तक आप उसको सेटिंग भी करवा दूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं और न्यू कन्वर्सेशन इसको ऑन कर लेता हूँ मैं। और सबसे पहले आप हम करते हैं सैंडबॉक्स जो है ना X8 सैंडबॉक्स, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये ओपन हो चुकी है, तो हमने क्या करना है इसको अब यहाँ पर देखिए एक बैक बटन आपको चाहिए होगा, जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर वहां से मैंने आपको बताई है वही इसके अंदर भी इंस्टॉल करना है, कहीं और से आपने इंस्टॉल नहीं करना। तो वो आप कर सकते हैं ऐड ऐप, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके बाद जो आपके मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और बैक बटन आपको चाहिए होगा, बैक बटन के ऊपर ये सेटिंग आपको बता देता हूँ कौन सी सेटिंग करनी है। एक बैक बटन होगा, रिसेंट बटन, ये आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। और हम लूडो को ऑन कर लेते हैं, लूडो को ऑन करने के बाद आप अब हमने यहाँ पर जैसे होम वाला बटन जो है ना इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करेंगे तो ये छोटी सी लूडो हो जाएगी, और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने इसको सेट कर लेना, सेट करने के बाद आपको बता देता हूँ कि उसके बाद लूडो को आपने ऑन कर लेना है। ज्यादा कॉइन्स वाली आपकी आईडी इसके अंदर होनी चाहिए, इसके अंदर आपकी ज्यादा कॉइन्स वाली होनी चाहिए आईडी, आपकी मेन आईडी जो है जिसके अंदर आपने कॉइन स्टोर करने हैं, और 11 मिलियन आपकी इस आईडी में होनी चाहिए, 11 मिलियन वाली आईडी ले लेनी है। दोनों में आपको वर्जन बता दिया लूडो स्टार का, वो आपने वर्जन करना, कोई और वर्जन नहीं करना। अगर आप दूसरा कोई और वर्जन करते तो फिर आपकी ट्रिक वर्क नहीं करेगी। तो जैसे लूडो ऑन होगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंड्स के ऊपर बड़ी में ऐड ऑलरेडी कर लेना है, बड़ी में ऐड तो लाजमी होना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर गेम बडीज के ऊपर जाना, और चैलेंज के ऊपर क्लिक करके आपने 10 मिलियन वाला चैलेंज इसको टेबल को इनवाइट देना है आपने 11 मिलियन वाली आईडी को, यहाँ से इन्वाइट दिया, चैलेंज करना आपने, और यहाँ से ज्वाइन कर लेना आपने, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आपने ऊपर से इंटरनेट ऑफ करना है और दोबारा ऑन करना है, यहाँ से एग्जिट किया आपने ये 11 मिलियन, और यहाँ से जो है ना यार
रिसेंट बटन जो आपको मैंने लगा कर दिया था, बताया था कि यहाँ से रिसेंट बटन, इसको भी आपने क्लिक करना और इसको भी बैक कर देना, और इसके बाद बैक कर देना, फिर लूडो इसको ऑन करना, फिर इसको आपने ऑन कर लेना, इनको एक साथ ओपन कर लेना आपने। जैसे ही ऑन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर सीधा जानेंगे आप, यहाँ पर आपने वेट करना, जैसे ये ऑन होगी उसके बाद आपने आठ क्लिक कर जो है वो स्टार्ट कर देना है। उसकी भी आपको सेटिंग बता दूँ कि उनसे आपने सेटिंग करनी है, तो इसको मैं ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ, किसी टाइम ये नेट का इशू हो सकता है। तो ये ऑन हो चुकी है। अब आपको सेटिंग बता दूँ, सेटिंग कैसे आपने करनी है। प्लस लेना है, प्लस लेकर इसको आपने यहाँ पर रख लेना है, प्लस तो यहाँ पर ले लिया आपने, एक एक बटन यहाँ पर ले लिया, दूसरा फिर से आपने बटन लेना है और आपने इसको यहीं पर ले लेना है, और इसकी सेटिंग आपने कुछ नहीं करनी। ये आपके डस्ट नॉट जो है ना आपके टारगेट, वो आपने ऐसे ही इसके ऊपर ऐड कर लेनी है आपने, ये भी आपने इधर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर 10 हो चुकी, 10 वाले जो टारगेट, इसको आपने यहाँ पर 4 लिखना और यहाँ से इसकी सेकंड कर देने हैं, सेकंड कर देनी है, और उसके बाद एक और टारगेट लेना है और इसको यहाँ पर रखना है और इसकी आपने 1 कर देनी है, 1 मिली सेकंड कर देनी है, और एक और टारगेट लेना है इसका आपने कर देना है, इसकी भी 1 मिली सेकंड कर देनी है, इसको यहाँ पर रख लेना आपने स्टार्ट गेम के ऊपर, और सेटिंग के ऊपर क्लिक करना, और लास्ट पे आके यहाँ पर आपने इसका 1 स्केल कर देना है, और यहाँ पर ऊपर आप लिख सकते हैं कॉइन स्टिक न्यू अपडेट, कॉइन न्यू ट्रिक, इसके आपने सेटिंग कर लेनी है और सेव कर लेनी। सेव करने के बाद अब आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, टेबल लगता है या नहीं लगता, वो आपको दिखा देते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ से बड़ी से रिमूव हो चुका है, बड़ी से मतलब ये गैप हो चुका है, बड़ी से ये गैप हो गई, या फिर आपको परचेज वाला ऑप्शन आएगा, ये ज्यादातर आएगा क्योंकि ये मतलब कि काफी ज्यादा टेबल मिस होते हैं, तो कुछ ही टेबल इन लगते हैं। यहाँ पर ज्वाइन कर, यहाँ से इनवाइट दे लेना आपने और इंटरनेट को ऑफ कर देना है, ऑफ करके यहाँ पर बैक करना है और फिर से बैक करना, और उसके बाद यहाँ पर इसको भी जो है ना आपने यहाँ से गेम को बदल के पेपर उड़ा देना है इसका जो है ना, तो रिसेंट से मतलब बटन से गैप कर देना है, रिसेट करनी है दोनों गेम एक बार, जैसे रिस्टार्ट होंगी आपकी दोनों गेम वो वाली होगी। अब ये इसकी जैसे ऑन होगी उसके बाद आपको ऑटो कर दियो ना, इंटरनेट स्लो होगा तब भी आपके टेबल काफ़ी ज़्यादा मिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फिर से स्टार्ट कर देना आपने ऑटो क्लिक करके। तो यहाँ से परचेज वाला ऑप्शन आ गया, गेम बड़ी से होता है या फिर परचेज वाला, या परचेज वाला पोजीशन आया तो अभी यहाँ पर इसको बारी चलते हैं, और यहाँ पर देखे इसको बस बैक करते हैं, यहाँ पर देखे 1 मिलियन लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपको यही मतलब ये इसमें हार्ड यही है कि आपके बार बार इसमें के अंदर आपको कॉइन्स जो है ना वो बार बार इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको इसके अंदर फिर से कॉइन्स मतलब ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर देना 11 मिलियन आपने फिर से ऐड करने हैं, जैसे ये मतलब कि आपके परचेज वाला ऑप्शन आएगा फिर आपने मतलब 11 मिलियन इसके अंदर ऐड करने हैं। पहले तो ऐसा होता था कि आपके वापस इसके अंदर 20 मिलियन हो जाते थे, लेकिन अब जो है ना आपके वो 11 मिलियन जो है ना वो आपने दोबारा से जीरो से मतलब एक से लेकर एक, अगर आपने 10 मिलियन खाली रखे तो फिर आपका जीरो से आपको करना पड़ेगा, इसलिए आपने 11 मिलियन इसलिए रखने हैं ताकि अगर आपका मतलब कि टेबल मिस होता है परचेज वाला ऑप्शन आता है तो आप उससे अगर ये कर सकते हैं आप 11 मिलियन दोबारा से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं अब 6 मिलियन हो चुके हैं और 5 मिलियन एक और टेबल इनवाइट दूंगा, ये 11 मिलियन ऐड हो चुके हैं। तो फिर से हम ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर जो है ना आपको मतलब कि यहाँ पर आपने फिर से चैलेंज भेज देना है, दूसरे से ज्वाइन करना और इंटरनेट आपको ऑफ करके दोबारा से आपने ऑन कर लेना है, एग्जिट किया आपने और यहाँ से आपने रिसेंड कर देना, रिसेंड से बटन से भी गैप कर देना है और दोनों को एक बार ऑन कर लेना है। जैसे ही ऑन होगी उसके बाद आपने ऑटो क्लिक कर जो है ना यहाँ पर प्राइवेट टेबल पर जाकर, तो प्राइवेट टेबल अभी यहाँ से सेट करते तो यहाँ पर स्टार्ट कर देना उसी टाइम।
जैसे दोनों गेम आएंगे उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना, दोनों के आपस में जो है ना ये आर्टिकल लगा देना। अब जैसे कि टेबल लग चुका है, अब यहाँ से बारी आपने चलनी है, और बारी चलने के बाद आपने इसको होम के ऊपर क्लिक करना, और इधर से आपने इन्वाइट उस आईडी को लेना है आपको, ये ज्यादा कॉइन वाली तो ज्वाइन करना, और उसके बाद स्टार्ट कर गेम को, इसको भी आपने एक बार गायब करना है और दोबारा से ऑन कर लेना है। जैसे ही ऑन होगी उसके बाद यहाँ से आपने लेफ्ट करना है जो एक्सबॉक्स, ये स्पीड से आपने करना पड़ेगा जब आपका टेबल लग जाएगा। फिर आप इधर से बारी चलेंगे तो 20 मिनट आपको शो हो रहे हैं, 20 मिनट से आपने 10 मिनट दोबारा से इसमें वापस कर देने हैं, इसमें सेंड कर देने हैं, और उसके बाद 1 मिनट जो है ना वहाँ से आपने अपनी आईडी इसके अंदर ऐड कर लेना दोबारा से, ताकि आपके कॉइन्स जो है ना वो आपके 11 मिलियन हो गए, तो फिर आपको बार बार आपको कॉइन्स के अंदर ऐड नहीं करना पड़ेंगे। तो ऐसे ही आपने बार बार जो ट्राई कर रहे हैं, जितने ज़्यादा आप कॉइन्स बना सकते हैं ऐसे बना सकते हैं, तो इनवाइट करना है आपने, ज्वाइन करना है, और ये आपने तो मैं बता दी, और सेटिंग आपको मतलब कि सारी बता दी आपने, सेटिंग जो है ना एक दूसरे में बह लेना, उधर से आपने सेटिंग कर लेनी है और चेक कर लेनी जैसे आप प्ले करना चाहते हैं। तो जब भी आप मतलब कि ज़्यादातर टाइम भी आपको बता दूंगा, और जितनी ज़्यादा इसके अंदर अपडेट हो उसके मैं अपडेट करूंगा, तो कभी कभी ये 10 टेबल भी आपके मिस हो जाते हैं, कभी कभी लगने लगे तो तीन तीन चार चार टेबल भी एक साथ लग जाते हैं। तो यही हार्ड है इसके अंदर, ये नहीं आपने कहना कि भाई मेरे टेबल इन नहीं लग रहे या फिर मेरे परचेज वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ये ऑप्शन है तो आपने ट्राई करना है, मुझे नहीं आपने कहना कि यार मुझे ये इसका कुछ कर दो। आपने बोला था कॉइन ट्रिक लेकर आओ, कॉइन ट्रिक ये अभी हार्ड ही चल रही है, अभी जो इजी जो ट्रिक है वो अभी तक नहीं चल रही। अगर कोई आती है ट्रिक तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा, तो फिलहाल तो यही ट्रिक है आपके साथ जो शेयर कर दिया है। तो बाकी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, कमेंट में बताइए आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।